कांग्रेस पार्टी को सिर्फ मुसलमानों का वोट ही क्यों चाहिए, उन्हें कैंडिडेट क्यों नहीं बनाना चाहती कांग्रेस पार्टी? आज ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता ने पूछा है। मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने कांग्रेस पार्टी को सिर्फ मुसलमानों को महाराष्ट्र में ना टिकट देने पर खास नाराजगी जताई है। साथ ही मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने पार्टी अभियान समिति से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर ये बोला कि वो पार्टी के लिए कोई भी प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि एमबीए गुट ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ने लिखा कि महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं लेकिन एमबीए ने एक मुस्लिम को भी टिकट नहीं दिया। पूरे महाराष्ट्र में कई सारे अल्पसंख्यक समुदाय के संगठन हैं तो सभी उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम एक मुस्लिम को तो टिकट मिलेगा ही, लेकिन ऐसा ना होने से सभी नाराज हुए हैं। मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने खड़गे से सवाल करते हुए कहा कि जब पार्टी को मुस्लिम वोट चाहिए तो मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं, और मुझे नहीं लगता कि अब मुस्लिम भाइयों को इसका जवाब दे सकूंगा, इसलिए मैं पार्टी के साथ साथ चुनाव प्रचार से भी इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 17 सीटों पर शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। मोहम्मद आरिफ नसीम खान मुंबई की ही एक टिकट की रेस में थे लेकिन उनकी सीट पर वर्षा गायकवाड़ को टिकट मिला है। 2019 में भी चुनाव लड़ा था जहां सिर्फ 409 वोट से हार गए थे। मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने लंबे समय से चली आ रही विचारधारा से भटकती जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास कई अल्पसंख्यकों की पार्टी और संगठनों के फ़ोन आए कि उन्हें सीट देते समय नज़रअंदाज क्यों कर दिया गया। आरिफ खान ने साफ साफ कहकर पार्टी छोड़ी कि मैं लोगों को जवाब देने में सक्षम नहीं हूं कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है और क्यों हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है।